दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो WBTC यानी वाइट बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, या फिर उसको खरीद के होल्ड करना चाहते हैं, या फिर उसको खरीदना बेचना चाहते हैं। तो वाइट बिटकॉइन का अभी जो करंट प्राइस है दोस्तों, 243-244 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ उसकी साइट पर, ठीक है। तो अभी जो करंट प्राइस है वो आप देख सकते हैं क्या रेट चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल एकदम इंडियन रुपीज में दिखा रहा है, ठीक है। और इसको अगर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो BTC नहीं तो USD में करके दिखा देते हैं। USD में अगर देखा जाए तो $3.25 की 3.25 के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसको खरीदना बेचना। इसको खरीदना बेचना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, ठीक है। जैसे बिटकॉइन का रेट इतना हाई चला गया कि आज कोई नहीं खरीद पा रहा है इसको, भविष्य में ऐसे ही, क्योंकि आने वाले समय बिल्कुल हर एक कॉइन करेंसी के ऊपर ही डिजिटल मार्केटिंग होगी। जो रुपया पैसा है सब डाउन हो जाएगा और जो भी कॉइन्स करेंसी हैं इनके ऊपर ही मार्केट चलेगा, ठीक है। हर जगह इन्हीं की डिमांड होगी। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आपको होल्ड करना एक ज़रूरी सा हो गया है, या फिर अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप होल्ड करिए। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कहीं पर, तो आप कंपनी के बारे में थोड़ा जानिए और उसको परखिए। जो कंपनियाँ आपको सही लगे उसमें आप कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से होल्ड करके रखिए कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको WBTC यानी वाइट बिटकॉइन का जो प्राइस है वो मैंने दिखा दिया, 244 रुपये यानी 43-44 के आसपास चल रहा है, ठीक है। सुबह से ये हर रोज़ 3 रुपये अभी बढ़ रहा है, और जो इसका रेट है वो 2023 में $5,000 ज़्यादा से कम $500 तक जा सकता है, यानी मिनिमम 35,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 लाख तक जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको ख़रीदें कैसे, इसको बेचें कैसे। तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम यहाँ पर यही है, तो इसको ख़रीदना बेचना ही है। तो इसके लिए दोस्तों एक ऐप है जहाँ पर हम खरीद सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, जहाँ पर हम इसको 2-2.5 साल 3 साल के लिए होल्ड रखेंगे। उसके लिए ये ऐप है VIP अपलेटिंग, इसका जो खुद का वाइट बिटकॉइन का खुद का एक्सचेंज है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, वहाँ पर ये ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके जब आईडी बन जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट हम नए होंगे तो यहाँ पर रजिस्टर पे ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो रजिस्टर करने के बाद जो भी भरने के लिए आएगा यहाँ पर, ये डू यू हैव एनी रेफरल आईडी, रेफरल आईडी आप ज़रूर यूज कीजिएगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे आप किसी से जब हेल्प मांगेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी, तो जो आपके ऊपर बंदा होगा जिसकी आप रेफरल आईडी यूज किए होंगे, तो वो आपकी हेल्प करेगा, और उससे सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है दोस्तों। इसलिए 100% यूज कीजिएगा, ठीक है। तो इसको यस कीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ पर रेफरल आईडी डालिएगा, रेफरल नेम अपने आप आ जाएगा जैसे आईडी पड़ेगी। तो फिर यूजर नेम आप अपने हिसाब से कोई भी एक ऐसा नाम डालिएगा जो आपको याद रहे, ठीक है, सॉलिड नेम, जिसमें 2 अंक भी होने चाहिए, मतलब गिनती के भी 2 अंक होने चाहिए, 1, 2, 3, 4 वाले। अब फिर उसके बाद टीम सेलेक्ट, टीम की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, आप ए बी कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। फर्स्ट नाम डाल दीजिएगा, लास्ट नेम डालिएगा, एक ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, और पासवर्ड ऐसा डालिएगा जो डिफ़िकल्ट हो, माने एकदम हार्ड पासवर्ड हो, और आपको भूले ना, ठीक है, जिसमें गिनती और ABCD का कॉलम और ऐसे वाले सिंबल भी, ये भी शामिल होनी चाहिए, ठीक है। गिनती भी शामिल होनी चाहिए और ABCD का भी शामिल होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट टीम, ये पासवर्ड तक मैंने बता दिया, कंफर्म पासवर्ड करके कंट्री डाल दीजिएगा, कौन से देश में रहते हैं, स्टेट डाल दीजिएगा, कौन सा स्टेट है आपका, सिटी डाल दीजिएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। जब ऐसे इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक आपको ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपने डाला है, उस पर एक मेल आएगा कन्फर्मेशन का। उस ईमेल आईडी को पहले आप ओपन कीजिएगा, उसमें एक जो मेल आया है उस पर कन्फर्म कीजिएगा। कंफर्म करने के बाद आपका जो यूज़र आईडी, ये यूज़र नेम और पासवर्ड है, उसको यहाँ पर जाके, बैक जाके लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पर यूज़र नेम डालिएगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। जब लॉगिन आप करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ये मैंने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है, ठीक है। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो एक पासवर्ड मांगता है, ये पासवर्ड आप भूलिएगा नहीं, जैसे ATM की तरह ये भी पासवर्ड एक काम करता है, तो इस पासवर्ड को भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद जैसे हम इसको ओपन करेंगे, तो
इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पर आपका जो बिटकॉइन आपने बाई कर रखा है तो वो आपका यहाँ पर शो करेगा। जैसे मैंने 62 बिटकॉइन बाई कर रखा है तो यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। यानी मैं $202 के आसपास आज इसका वैल्यू है, ठीक है। आप इसको अपना NRI यानी रुपये में भी देख सकते हैं यहाँ पर, यानी 15,165 रुपये का आज है। और एक का प्राइस जो चल रहा है एक WBTC का, वो 244 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी ये चीज़ें सारी चीज़ें तभी ओपन होगी आपकी जब यहाँ पर आप ख़रीद लेंगे, ठीक है। जैसे आप ख़रीद लेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ओपन होने लगेंगी, उससे पहले ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये जो नीचे के आप गोल गोल देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें तभी वर्क करेंगी जब आप BTC बाई कर लेंगे, उसके पहले ये कितना भी क्लिक करो ओपन नहीं होगा, ठीक है। इसमें परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में 3 डॉट है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर शो करेगा आपका सारा अकाउंट का डाटा। तो जो रिजनरेट प्राइवेट की आप देख रहे हैं ये मेन होता है, ये तभी आपको मिलेगा जब आप WBTC को बाई करेंगे। जब बाई करेंगे तो आपको एक ABCD का 15 अंक का कुछ भी, ABCD ई या जी एच कुछ भी बीच में मिक्स होकर एक कीवर्ड मिलेगा। तो उस की को मतलब आप इस्तेमाल करेंगे अपना ID खोलने के लिए, ठीक है। इसको भूलेगा नहीं, ये मेन होता है। रेफरल लिंक जो आप है और इसको तभी आप यूज कर पाएंगे जब आप खरीदेंगे बिटकॉइन। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब तक आप बिटकॉइन नहीं खरीदेंगे ओपन नहीं होती है, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा बार बार उस पर क्लिक करके, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें जब आप खरीदेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन शो करता है डिपॉजिट का। अभी मैंने डिपॉजिट कर दिया है इसलिए डिपॉजिट का यहाँ ऑप्शन नहीं है, वो यहाँ पर अभी आ गया है यहाँ पर WBTC वॉलेट में, ठीक है। पहले यहाँ पर नए वाले में यहाँ शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से आप डिपॉजिट कीजिएगा जहाँ से ख़रीदना होगा, जिससे भी ख़रीदना होगा। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, मैं नंबर दे दूँगा। मेरे थ्रू अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो मैं नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके मुझसे भी ख़रीद सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप खरीदेंगे आपके वैलेट में 1 घंटे के अंदर शो होने लगता है, चढ़ जाता है। उसको होल्डिंग में करना पड़ता है, जब तक यहाँ पर आपको होल्डिंग में नहीं शो करेगा नीचे ब्लॉक BTC वॉलेट, जब तक इसमें आपका शो नहीं करेगा तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि यही होता है जो ब्लॉक हो जाता है, 2023 तक के लिए ब्लॉक हो गया है, यानी इसको आप निकाल नहीं सकते। निकाल उतना ही पाएंगे, 7% हर महीने। अगर आप निकालना चाहते हैं नहीं मुझे 2023 तक नहीं रुकना है, तो आप 7% हर महीने में करके निकाल सकते हैं, 7%, ठीक है। तो 7% हर महीने आप निकाल सकते हैं। जैसे मेरा 62 का 7% मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कितना हुआ। तो ये इतना 7% मेरा बन रहा है, तो इतना मैं निकाल सकता हूँ हर महीने, ठीक है। 7% यहाँ पर आप लिखा हुआ है, देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वर्क करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मैंने बता दिया यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं आप, इसका जो ऐप है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जो इसका मेन एक्सचेंज है जहाँ पर ये अवेलेबल है, सिर्फ एक ही एक्सचेंज में अवेलेबल है अभी पूरी दुनिया में, एक ही एक्सचेंज में, वो है बेलपे। बेलपे में अवेलेबल है, ये साइड है, कोई ऐप नहीं है, ठीक है। तो बेलपे में अवेलेबल है, इसमें ID बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर आप इसमें ID बनाइएगा तो थोड़ा प्रोसेस देख लीजिएगा, ये थोड़ा अच्छे समझिएगा मैं जो बता रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस तरीके से मेरा डायरेक्ट ID ओपन हो गया, तो इस तरीके से आपका नहीं ओपन होगा क्योंकि आप नए यूज़र होंगे, ठीक है। तो नए यूज़र के लिए जो प्रोसेस है वो मैं यहाँ पर बता दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं, यहाँ तक ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक मेन होता है, यहाँ पर जो आपको लोगो दिख रहा है प्रोफाइल का, तो इस लोगो पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा एक यहाँ पर आपको शो करेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ये मैंने यहाँ पर अभी कर दिया है, इसलिए यहाँ पर मेरा वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट है जो प्रोसेस में है, मैंने अभी किया है कुछ देर पहले। तो मेरा अभी जो ये है प्रोसेस में है, अभी मतलब चेक हो रहा है, वेरीफाई हो जाएगा तो मैं भी यहाँ से ख़रीद बेच सकता हूँ अपने से, ठीक है। जब तक ये आपका बिल पे ओपन नहीं होगा तो आप खुद से ख़रीद बेच नहीं सकते हो, आपको दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो उसके लिए आपको जो है अपने वॉलेट का एड्रेस निकाल के रखना है, वॉलेट एड्रेस VIP अपलेट वाला, तो वहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर दूसरे से करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको वेरिफिकेशन के लिए जो है, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आपको वहीं से बता देता हूँ क्या क्या भरना है, कैसे कैसे भरना है, ठीक है। तो जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन ID वेरीफिकेशन के लिए जाएँगे तो ये यहाँ पर ये मेन मेन चीज़ें आपको भरनी है, जिसमें
रेड डॉट शो कर रहा है, जिसमें रेड शो कर रहा है उसमें ज़रूर भरिएगा, बाकी जिसमें नहीं शो कर रहा है कोई ज़रूरी नहीं है भरना, ठीक है, ये चीज़ मेन है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा, लास्ट नेम डाल दीजिएगा, प्लेस ऑफ बर्थ यानी जहाँ पैदा हुए हैं उस गाँव का नाम डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा जो आप आधार कार्ड में डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको आधार कार्ड पे ही वेरिफिकेशन करना है, ना कि लाइसेंस पे, ना कि पासपोर्ट पे, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पे करना है, ठीक है, क्लिक। तो आइडेंटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको भरना है इंडिया, कंट्री भर देना है इंडिया, अगर आप इंडिया के हैं तो। जिप कोड भरना है जहाँ आप जिस गांव के हैं वहाँ का। आपका स्टेट भर देना है, सिटी भरना है सिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट भर देना है, स्टेट स्ट्रीट एड्रेस यानी आपका गांव का विलेज का एड्रेस डाल देना है, अपार्टमेंट ये ज़रूरी नहीं है भरना, ठीक है। तो इसके बाद सेम एज यहाँ पर क्लिक कर देना है, सेम एज परमानेंट एड्रेस पे, सेम एज रेसिडेंटली में, तो आपका दोनों एड्रेस ऊपर नीचे का सेम हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भी सेम भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको फ़ोटो भरना है, ठीक है, फ़ोटो इस तरीके की आपको अपलोड करनी है, ठीक है, हाथ में आधार कार्ड ले लेना है और खुद का फेस सेल्फी लेना है, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सब कर देंगे तो उसके बाद आपका जो है अकाउंट जो है वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे वेरिफिकेशन होगा तो आपको एक मेल मिलेगा या फिर मैसेज मिलेगा कि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन हो चुका है, आप उसको यूज कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप उसको यूज कर लिए हो जाएगा तो मैं अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे बाय और सेल करना है, ठीक है। बाकी जब तक आप अकाउंट वेरिफिकेशन करके रखिए, बाय सेल का जो नेक्स्ट वीडियो है मैं बना दूंगा, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो आपका मिस ना हो, आपको ढूंढना ना पड़े कि मैंने किस चैनल पे देखा था, किस चैनल पे वो वीडियो आएगा जिस पे बाय सेल के लिए हमें बताया जाएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत कम अवेलेबल हैं, मतलब 0% के लगभग अवेलेबल हैं। इस तरीके से कोई सॉलिड तरीका बताएगा आपको किस तरीके से आपको बाय सेल पूरी चीज़ें डिटेल में, जो बहुत कम ही बंदे हैं जो समझा रहे हैं और बहुत कम अवेलेबल है, तो आपको ढूंढना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं रिप्लाई दूंगा और मेरा फ़ोन नंबर भी देता हूँ, और अगर आपको दिक्कत है तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल मदद चाहिए तो ले लीजिएगा, लेकिन मैं उसी बंदे की यहाँ पर हेल्प करूँगा, जो फ़ोन नंबर पे सिर्फ उस बंदे की हेल्प करूँगा जो मेरा रेफरल चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पक्का पूछिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।